वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। वो इस नए अपडेट्स के बाद आए हैं और कई लोग इन फीचर्स के बारे में नहीं भी जानते हैं। इन सब को पूरे अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी सारी स्टोरीज को हाईलाइट में ऐड कर लेते हैं, पर फिर उन्हें हाईलाइट को आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ स्टोरी को उनमें हटाना चाहते हैं, कुछ को ऐड करना चाहते हैं बाद में, और उनका कवर फोटो नाम चेंज करना चाहते हैं या पूरा हाईलाइट ही हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप हाईलाइट पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर एडिट हाईलाइट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप कोई स्टोरी को हाईलाइट में ऐड करना चाहते हैं जो आप पहले नहीं कर पाए हैं, तो बस स्टोरीज पर क्लिक करके उस स्टोरी को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप डन कर देंगे, तो वो स्टोरी आपके हाईलाइट में ऐड हो जाएगी। और आप चाहते हैं किसी स्टोरी को हाईलाइट में से रिमूव करना, तो बस यहाँ पर उस स्टोरी को अनसेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप डन कर देंगे तो वो स्टोरी आपके हाईलाइट में से रिमूव हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि हाईलाइट का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके उस टाइटल को दे दीजिए जो आप इसका नेम देना चाहें, और यहाँ पर आप इसको एडिट कवर करके यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके इसका एक फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी हाईलाइट के लिए। इंस्टाग्राम ऐप को यूज़ करते हैं और उसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये पोस्ट वैसे ही ऐड की आने लगती हैं और सजेशन की आने लगती हैं, पर आपको पसंद नहीं आती। आप चाहते हैं आपको सिर्फ अपने फॉलोअर्स की पोस्ट दिखाई दें या कुछ अपने फेवरेट पर्सन्स की पोस्ट दिखाई दें जिन्हें आपने फेवरेट में ऐड कर रखा है, तो उसके लिए सिंपली आप सबसे ऊपर यूज़र नेम वो इंस्टाग्राम लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन देखें, यहाँ पर आप फॉलोविंग पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपको सिर्फ अपने फॉलोअर्स फॉलोविंग की ही पोस्ट दिखाई देगी, चाहे आप कितना भी स्क्रॉल कर लें जो भी आपकी फॉलोविंग्स हैं उन्हीं की पोस्ट आपको दिखाई देगी। और अगर यहाँ पर आप फेवरेट्स पर क्लिक करेंगे तो जो लोग आपने फेवरेट्स में सेलेक्ट कर रखे हैं सिर्फ आपको उन्हीं की पोस्ट दिखाई देगी, अनवांटेड पोस्ट आपको दिखाई नहीं देगी। बाद में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप नेम को एडिट कर सकते हैं, यूज़र नेम जो अवेलेबल हो यहाँ पर आप चेंज करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा जो यूज़र नेम अवेलेबल होगा। यहाँ पर एक प्रोनाउंस का नया ऑप्शन आया है, ये प्रोनाउंस आपकी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आप प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने इंग्लिश कर रखा है, यहाँ पर आप जो भी चाहे उस लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड योर प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर आप जो भी सेंटेंस ऐड करेंगे वो आपकी नेम के आगे लिख कर आएगा, जैसे हम हिम ऐड कर देंगे तो ये हमारे नेम के आगे लिख कर आएगा, आप चाहें तो इसे ऐड कर देख सकते हैं। शो टू योर फॉलोअर्स ओनली पर आप सेट कर देंगे तो सिर्फ आपकी फॉलोअर्स को ही दिखाई देगा ये प्रोनाउंस, और बायो में जो आप ऐड कर देंगे वो आपके नीचे लिख कर आएगा, नाम के नीचे लिख कर आएगा। और ऐड लिंक्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप फेसबुक की लिंक को भी ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल लिंक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यूआरएल में उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, और टाइटल में उसका नेम लिख दीजिए कि वो किस ऐप की लिंक है, और यहाँ पर आप इसको प्रोफेशनल अकाउंट में भी चेंज कर सकती हैं। और यहाँ पर एडिट पिक्चर और अवतार पर क्लिक करके यहाँ पर अवतार को भी आप क्रिएट और एडिट कर सकते हैं।